हेलो एवरीवन, अरुण कपूर दिस साइड। सो जैसे हम सबको पता है कि लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है। सीज़न इज़ अ बैड वर्ड फॉर दिस, बट हाँ, वी ऑल नो कि लॉकडाउन चल रहा है एंड हम सबको घर पे रहना पड़ रहा है। सो आई एम प्लानिंग कि मैं सिलेनियम जावा की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ आप सबको, सो दैट कि आप लोग कुछ नया सीख सकें इस टाइम में और इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू मेक सम वीडियोस फॉर दिस एंड आई वांट योर फुल सपोर्ट। अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर बटन पर क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। सो बेसिकली क्या क्या चीज़ें मैं इनमें कवर करूँगा, ये वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कवर करूँगा जावा की। आफ्टर दैट जावा की इंस्टॉलेशन एंड प्रोजेक्ट विद डिटेल्स, मीन्स जो जावा का प्रोजेक्ट है, हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एंड ऑल द बेसिक स्टफ, जो भी एक बेसिक हैलो वर्ड जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए चाहिए होते हैं, ऑल दोज दैट काइंड ऑफ डिटेल मैं आपको सबसे पहले पहली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो ये हमारे वीडियो नंबर्स होंगे, दैट विल गोइंग टू बी योर फर्स्ट वीडियो। एंड आफ्टर दैट, अब हमारा मेन फोकस है सिलेनियम। सो मैं जावा पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग सिलेनियम को जावा के साथ कैसे यूज़ करना है उसका ज़्यादा पता लगे, ना कि जावा और जावा के कोर कंसेप्ट ज़्यादा क्या है वो ज़्यादा इसमें कवर हो, क्योंकि वो बाद में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और आफ्टर सम टाइम बंदे को लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं तो सिलेनियम के लिए यहाँ आया था पर ये तो पूरा जावा का अलग से कंसेप्ट है। सो उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सिलेनियम की। जैसे हम सब जानते हैं, सिलेनियम एक टूल है जो ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है। अगर नहीं भी पता, अगर किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है सिलेनियम का, तो भी इट्स ओके, इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। उसके बाद सिलेनियम के क्या एडवांटेजेस हैं, उनका क्या स्कोप है और उसकी क्या लिमिटेशंस है, एंड उसके साथ उसके क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके रिलेटेड, इंटरव्यू क्वेश्चंस। आफ्टर दैट थर्ड वीडियो जो होगी उसमें सिलेनियम वेब ड्राइवर के बारे में बताया जाएगा कि वेब ड्राइवर का बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है, क्योंकि एज़ पर माई पर्सपेक्टिव अगर हमें किसी चीज़ का आर्किटेक्चर नहीं पता, उसका बेस नहीं पता, उसके बारे में सीखना बेनिफिशियल उतना नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रह जाते हैं और कई चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं थर्ड वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि सिलेनियम वेब ड्राइवर का आर्किटेक्चर क्या है। एंड आफ्टर दैट डिफरेंट ब्राउजर्स पे जो डिफरेंट वेब ड्राइवर्स हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे, उसका ईजी वे क्या है। बेसिकली कल तो हम एक बार सभी लेते हैं पर उसको याद नहीं रख पाते। सो बेसिकली इस वीडियो में ऐसे बताऊंगा कि इसको इजीली याद कैसे रखना है और उसको कैसे यूज़ करना है और उसमें जेसन कैसे यूज़ होती है, उसका क्या कंसेप्ट है। आफ्टर दैट कमिंग टू फोर्थ वीडियो, इसमें सिलेनियम और जावा का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ मेवन फर्स्टली, वो बाद में यूज़ करेंगे, वो अलग स्कोप में आएगा। ये स्टार्ट में मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, सिर्फ उस बंदे के लिए जिसको पता भी नहीं है सिलेनियम क्या है कैसे है, बट हाँ, ही और शी वांट टू लर्न दैट। तो मैं सिलेनियम का जावा के साथ बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा और उसके कुछ मेथड्स बताऊँगा, जैसे डिफरेंट मेथड, बेसिक मेथड क्या करते हैं, गेट कैसे करना है किसी URL को हमने, गेट टेक्स्ट में कैसे जाना है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स, और उसके बाद डिफरेंट वेब ब्राउजर्स कैसे यूज़ करने हैं हमने, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स और आई, इन तीनों वेब ब्राउजर्स को यूज़ करके हमने कैसे बनाना है एक सिलेनियम की स्क्रिप्ट को। एंड इन फिफ्थ वीडियो, सो यहाँ से बेसिकली सिलेनियम थोड़ा सा एडवांस लेवल में यू कैन से स्टार्ट हो जाता है। सिलेनियम बहुत इजी
टूल है हमारे पास, अगर मैं कहूँ तो बेसिकली काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, जिसमें उन्होंने हमें बहुत सारे मेथड प्रोवाइड कर दिए हैं इसको ईज आउट करने के लिए. सो लोकेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सिलेनियम. देर आर सिक्स टाइप ऑफ लोकेटर्स जो मैं कवर करूँगा, आईडी, क्लास नेम, नेम एंड लिंक टेक्स्ट. ये फिफ्थ वीडियो में मेजरली मैं ये चार कवर करूँगा और इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूँगा एक्सपाथ और सीएसएस सिलेक्टर्स की. आफ्टर दैट कमिंग टू माई सिक्स्थ वीडियो, मैं डिटेल बताऊँगा एक्सपाथ की, सीएसएस सिलेक्टर की एंड हाउ वी कैन क्रिएट अवर ओन एक्सपाथ एंड सीएसएस सिलेक्टर लोकेटर्स फॉर यूज, द कस्टमाइजेशन इन दैट. यस, दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग गाइज. एंड सिक्स्थ वीडियो में मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू में आजकल इंटरव्यू भी नहीं तो अगर मैं बोलूँ तो रियल वर्ल्ड में यही चीज़ें यूज़ होती हैं. रियल वर्ल्ड में कोई ज़्यादातर बहुत कम आईडी, क्लास नेम, नेम या लिंक टेक्स्ट यूज़ करते हैं. मोस्ट कंपनीज एक्सपाथ और सीएसएस सिलेक्टर्स पे वर्क करती हैं. सो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, एंड ऑल द स्टफ. एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड टिप्स आई विल प्रोवाइड टू यू रिलेटेड टू दैट एज वेल, कि बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक इनमें कंसेप्ट होता है सीएसएस लोकेटर्स में रेगुलर ऑपरेटर्स का, सो दैट विल आई आल्सो कवर लोकेटर्स. रेगुलर लोकेटर्स में हम एक्सपाथ और सीएसएस को ही यूज करते हैं सीएसएस सिलेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए. सो ये चीजें मैं कवर करूंगा. एंड आफ्टर सेवन्थ वीडियो, इन एट्थ वीडियो मैं आपसे रिव्यू पूछूंगा, दैट नॉट अ काइंड ऑफ वीडियो बट अ काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आगे हम किस तेज़ी से जा रहे हैं, किस तेज़ी से नहीं जा रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज रिव्यू वीडियो. सो गाइज, मैं कल से वीडियो बना के अपलोड करने के लिए स्टार्ट करूँगा. थैंक यू सो मच, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. आई अप्रिशिएट योर लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको और लाइक कीजिए एज मच एज यू कैन. थैंक यू सो मच.